वेल गाइस, आज का सवाल थोड़ा सा अजीब होने वाला है। सॉरी, बहुत बहुत ज्यादा अजीब होने वाला है। क्योंकि क्या तुमने कभी सोचा कि सुकुना को किंग ऑफ कर्सेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि पूरे जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स में गोजो की कर्स टेक्निक को सबसे ज्यादा बेस्ट माना जाता है। वहीं मेगुमी की टेंशेडो कर्स टेक्निक को सबसे ज्यादा पावरफुल कर्स टेक्निक माना जाता है। केंजाकु स्मार्टेस्ट सॉर्सरर है। वहीं तोजी की बॉडी को सबसे ज्यादा सुपीरियर माना जाता है और यूजी का विल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। बट सुकुना के पास तो इनमें से कुछ भी नहीं है और उसके पास स्पेशलिटी के नाम पर है बस उसके स्लैश। और अगर तुम्हारा जवाब है उसका बैरियरलेस डोमेन मेलोवेरेंट शाइन, तो तुम्हें शायद रुकना चाहिए क्योंकि केंजाकु का डोमेन एक्सपेंशन भी बैरियरलेस है। फिर ऐसा क्या है जो कि सुकुना को किंग ऑफ कर्सेस बनाता है? आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और वीडियो के अंदर जेजेके मांगा से स्पॉइलर होने वाले हैं, तो स्पॉइलर अलर्ट। शुरू करते हैं सुकुना की स्पेशलिटी से, जो कि है उसका डिसमेंटल और क्लीव, जो कि उसकी इननेट कर्स टेक्निक है। बेसिकली सुकुना का डिसमेंटल और क्लीव एक तरह की स्लैशिंग कर्स टेक्निक है। वही डिसमेंटल जिन चीजों के अंदर कर्स टेक्निक नहीं होती उन्हें अपने एक वार से डिस्ट्रॉय कर सकता है। वही जिन ऑब्जेक्ट के अंदर कर्स टेक्निक होती है उन पर सुकुना क्लीव का इस्तेमाल करता है, जिसकी कर्ज एनर्जी को वो अपने अपोनेंट के हिसाब से बढ़ा या घटा सकता है। वही सुकुना का ओपन, जिससे कि उसने गोजो और माहोरागा को वन शॉट किल करा था, वो अच्छा है, पर वो गोजो के लिमिटलेस के आगे एकदम बेकार है। वही सुकुना का बैरियरलेस डोमेन एक्सपेंशन मेलोवेरेंट शाइन अच्छा है, पर उतना भी अच्छा नहीं कि उसे किंग ऑफ कर्सेस का टाइटल दिला दे, क्योंकि डोमेन के अंदर मारता तो वो स्लैशेस ही है। सुकुना को किंग ऑफ कर्सेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि सुकुना पूरे जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स के अंदर जुजुत्सु के बारे में सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से जानता है और सुकुना जुजुत्सु के बारे में इतनी ज्यादा डीप नॉलेज रखता है जितनी और कोई भी नहीं रखता, जो कि सुकुना को एक एडवांटेज देता है। और सुकुना बैटल ग्राउंड में उतरते ही अपने अपोनेंट को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है, ताकि वो अपने अपोनेंट के बारे में ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से जान सके और उसकी कोई कमजोरी ढूंढ सके, जिसका लाइव एग्जांपल है जोगो और माहोरागा। और सबसे ज्यादा बड़ी बात कि सुकुना अपने अपोनेंट को रिस्पेक्ट करता है। जी हाँ, कोई भी अपोनेंट जो कि सुकुना के लेवल को थोड़ा भी मैच कर पाता है, सुकुना उन सब अपोनेंट को रिस्पेक्ट करता है, जिसका एक छोटा सा एग्जांपल है गोजो, जोगो, काशिमो, हिगुरोमा इत्यादि। वहीं गोजो के केस में ये सब कुछ मिसिंग था। गोजो अपने अपोनेंट को कुछ ज्यादा ही हल्के में लेता था, जिसका फल उसे हिडन इन्वेंटरी आर्क में तोजी दे देता है। देन फ्यूचर में कलिंग गेम्स के अंदर सुकुना गोजो को निपटा देता है। सुनने में थोड़ा सा कड़वा है बट सच तो सच है, क्योंकि सुकुना इतना ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी कभी भी अपने अपोनेंट को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता था, जो कि सच में एक बहुत ज्यादा बड़ी बात है और उसे एक असली राजा बनाती है। वही सुकुना इतना ज्यादा स्मार्ट था कि पास्ट में केंजाकु को सिर्फ एक बार देखकर इमोर्टैलिटी कैसे हासिल करनी हो उसका तरीका ढूंढ लेता है, अपनी 20 फिंगर के अंदर अपनी सोल को ट्रांसफर करके। वही सुकुना इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसने बिना अपनी बॉडी का यूज करे गोजो को खत्म कर दिया था, वो भी अपनी हाफ पावर पे। इवन गोजो मरने के बाद अपनी आफ्टर लाइफ में जब गेटो से मिलता है तो वो खुद बोलता है कि वो सुकुना के खिलाफ ऑल आउट गया था, बट सुकुना सिर्फ उसके साथ खेल रहा था। और इसी के साथ सुकुना की सोल पूरे जेजे के यूनिवर्स में सबसे ज्यादा डिफरेंट और ताकतवर है। इवन माहितो, जो कि एक स्पेशल ग्रेड कर्स ब्रेड था, जो कि सोल्स के बारे में सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से जानता था, वो भी सुकुना की सोल को कुछ सेकंड से ज्यादा सह नहीं पाया था। और इसलिए जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स के अंदर सुकुना जब भी अपेयर होता है तो उसका ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि सबको पता लग जाता है कि सुकुना आसपास है। और इसी के साथ सुकुना के पास 4 हाथ 2 फेस और 2 मुंह है, जिनका यूज वो फाइट में एकदम इनसेन लेवल पर करता है। और इसी के साथ सुकुना की जो रिजनरेशन की पावर है वो सबसे ज्यादा फास्ट है, और सुकुना किसी की भी कर्स टेक्निक को कॉपी कर अपने हिसाब से यूज कर सकता है, जो कि एकदम ओपी लेवल की पावर है। और इतना सब कुछ काफी है सुकुना को किंग ऑफ कर्सेस बनाने के लिए। बाकी वीडियो यहाँ तक देख लिया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि मेरी वीडियोस आप जैसे एनिमे लवर तक पहुंच सके। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।